So started from the calculating of hardness in a water sample. तो last video में आपने देखा था कि आपने जो hardness है के लिए mass की जो requirement थी वो आपने find out की थी कि कितना mass जो है हम पानी में dissolve करें कि इतनी ppm की hardness हो जाए. Next question type question is that कि calculate temporary, permanent and total hardness of water in ppm, degree Clark and French. तो वाटर सैंपल का एक जो है एग्जाम्पल ये है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट 1 लीटर में है, 4 मिलीग्राम पर लीटर मिला हुआ है. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है वो 6 मिलीग्राम पर लीटर मिला हुआ, कैल्शियम सल्फेट 8 और मैग्नीशियम सल्फेट 10 मिला हुआ. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला है, हमने एक टेबल फॉर्म बनाई है. आप उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट रखिए, अमाउंट रखिए यानी मास क्या है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, उस हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट क्या है, और उसका इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर से आप उस हेल्प से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे. और यहाँ पे हमने इंडिविजुअली हर एक सॉल्ट की क्या निकालेंगे, हार्डनेस निकालेंगे. तो देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास जो है वो 4 है, मोलर मास 162 है, और क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो इसलिए इसका जो एन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 2 हुआ. और यहाँ से हमने क्या निकाला है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकाला. हार्डनेस का फॉर्मूला है मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट. 50 कहाँ से आया है, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है, और 81 किसका इक्विवेलेंट वेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके 2.469 आया है. इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मोलर मास 146, एन फैक्टर मैग्नीशियम पे 2 होता है चार्ज, तो इसका मतलब यहाँ 2 एन फैक्टर हुआ, 73 मोलर मास इनटू इक्विवेलेंट वेट दैट इज 50, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट इज 73. तो क्या आंसर आया, 4.10. इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट का एन फैक्टर 2 है, और इक्विवेलेंट वेट क्या निकल के आया, 68. आपने इसको किया मल्टीप्लाई मास इनटू 50 अपॉन 68, 5.88, और मैग्नीशियम सल्फेट की 8.3 थी आगे. तो इंडिविजुअल सॉल्ट्स की हार्डनेस आ गई है. अभी आप दोबारा सवाल देखिए, जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कैलकुलेट टेम्परेरी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस. तो सबसे पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि टेबल में टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कौन से हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो इनकी इंडिविजुअल हार्डनेस क्या हुई, 2.469 एंड 4.10. तो टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू द बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया, टेम्परेरी हार्डनेस आ गया. ठीक है, अब वो ये कहता है कि इस टेम्परेरी हार्डनेस को पीपीएम, डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करें. तो आप देखिए मैग्नीशियम जो मिला हुआ कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो मिला हुआ वो एमजी पर लीटर है. तो सबसे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका मास गिवन हो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का वो मिलीग्राम में ही हो, ग्राम या किलो में नहीं हो, क्योंकि हार्डनेस को मेज़र करने के लिए किलो या ग्राम में कोई भी यूनिट नहीं है, आपको कन्वर्ट वो मिलीग्राम पर लीटर में ही करना है. इसलिए यहाँ मास जो है दैट शुड बी इनटू द फॉर्म ऑफ मिलीग्राम. तो आप क्या करेंगे, अगर ग्राम में दिया हुआ तो 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिलहाल यहाँ मिलीग्राम दिया तो इंटर कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आपकी जो हार्डनेस आई थी टोटल, वो टेम्परेरी हार्डनेस क्या आई थी टोटल दोनों सॉल्ट्स की वजह से, 6.579 आ गया. अब हमें पता है 1 मिलीग्राम इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच एंड 0.07 डिग्री क्लार्क होता है. आप इस हार्डनेस में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फ्रेंच और डिग्री क्लार्क दोनों में ही हार्डनेस आ जाएगी. अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस. तो परमानेंट हार्डनेस का क्या मतलब है, आप सॉल्ट चेक करिए, परमानेंट किसकी वजह से होती है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन. तो यहाँ सल्फेट किसके प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी दोनों हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे प्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट. तो ये रहा, आपने यहाँ हार्डनेस इनकी निकाली हुई है, इन दोनों की इंडिविजुअल हार्डनेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल परमानेंट हार्डनेस आ जाएगी दैट इज 14.21. इनको फिर से हम डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद टेम्परेरी
और परमानेंट हार्डनेस जो आपके पास आई है, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल हार्डनेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि वाटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम वाटर को टेक्निकली कैसे यूज़ करते हैं। अभी वाटर जो है वो टेक्निकली स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ होता है। तो स्टीम बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े बॉयलर्स में बॉयल करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम कन्वर्जन करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, बॉयलर्स की। अब जब आप हार्ड वाटर को बॉयलर में बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक स्टीम में कन्वर्जन करते रहते हो तो बॉयलर्स में कुछ ट्रबल्स आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हम जिन्हें बोलते हैं बॉयलर ट्रबल्स। ये बॉयलर ट्रबल्स क्या हैं ये आपको पढ़ना है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो पहली और बॉयलर ट्रबल है दैट इज़ प्रिमिंग एंड सेकेंड वन इज़ फोमिंग। प्रिमिंग या प्राइमिंग भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिमिंग या प्राइमिंग क्या है, द कैरिंग आउट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स विद द स्टीम जनरेशन, यानी आपने स्टीम जब क्रिएट की है या बना रहे हैं आप बॉयलर्स में तो प्योरली स्टीम नहीं आ रहा, उसके साथ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ रही हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइमिंग। किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी TDS जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो TDS ड्रॉपलेट्स फॉर्म में फोम के आपके स्टीम के साथ कैरियड आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हाई स्टीम वेलोसिटी है, यानी स्पीड जो है वो स्टीम जनरेशन की वो बहुत ज़्यादा है। सडन बॉइलिंग है, एकदम से आप उसको बॉयल कर रहे हैं यानी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, या फिर आपके बॉयलर की जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ाइन नहीं किया गया है। आप इसको कैसे रोक सकते हैं, बाय अवॉइडिंग रैपिड चेंज। आप स्टीम वेलोसिटी या स्टीम जनरेशन के लिए एकदम से सडन चेंज ना करें उसकी वेलोसिटी में। लो वाटर लेवल्स, एक जो वाटर लेवल्स होता है बॉयलर में उससे ऊपर आप पानी को फिल ना करें बॉयलर्स में। यूज़ सॉफ्ट वाटर इन द बॉयलर्स और पानी को पहले ट्रीट करें, उसमें हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस जो भी हैं उनको कम करें या ख़त्म करें, और उसके बाद आप उसको बॉयलर में जब यूज़ करेंगे तो प्राइमिंग की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। फोमिंग, आप फोमिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल बबल एट द सरफेस ऑफ द वाटर इन द बॉयलर, यानी पानी की सरफेस पे जो टॉप लेवल है, सरफेस है पानी की बॉयलर में, उसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल, ऐसे बबल्स बन जाते हैं वो जो जल्दी जो है ब्रेकआउट नहीं होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फोमिंग। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, पानी में कुछ ग्रीजी सब्सटेंस मिला हुआ है या सस्पेंडेड सॉलिड मिले हुए हैं या ऑयल्स मिली हुई है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल होता है। इसको कैसे रोक सकते हैं, एडिंग एंटी फोमिंग केमिकल्स लाइक कैस्टर ऑयल, आप पानी में एंटी फोमिंग सब्सटेंस मिला लीजिए, टैनिन, अगर अगर कैस्टर ऑयल मिला दीजिए, ये क्या करते हैं फोमिंग को काफ़ी हद तक रोक देते हैं। ऑयल कैन बी रिमूव बाई एडिंग सोडियम एल्यूमिनेट्स और एलम, आप पानी में से जो है फोमिंग को सोडियम एल्यूमिनेट या एलम मिला के भी ख़त्म कर सकते हो। और लास्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप पानी को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे बॉयलर में स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुई पहली दो प्रॉब्लम्स, प्राइमिंग एंड फोमिंग। नेक्स्ट आती है स्केल एंड स्लज, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटर्नल एग्जाम में। तो स्केलिंग क्या है, हार्ड स्टिकी डिपॉजिट्स ऑन द इनर वॉल और बॉयलर, यानी आपका ये बॉयलर है, बॉयलर के साथ साथ जो वॉल बन जाती है, वॉल है उसके साथ साथ स्टिकी यानी एक सॉलिड फॉर्म में, एड्रेहेंट फॉर्म में एक लेयर का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं स्केलिंग। क्यों होता है ये स्केलिंग, क्योंकि जब आप पानी में, जब पानी में ये बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, आप पानी को बॉयल कर रहे हैं यानी इसको हीट दे रहे हैं, तो हीट की वजह से जो भी ये बाइकार्बोनेट्स हैं वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कार्बोनेट्स पानी में डिजॉल्व नहीं होता, आपको पता ही है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये सेटल बॉटम में ना होके क्या हो जाते हैं, वॉल के साइड साइड एक लेयर फॉर्म कर क्रिएट कर देते हैं, टफ लेयर फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्केलिंग। डिसएडवांटेज क्या है,
अब जो ये स्टिकी, ये जो एड्रेहेंट, स्ट्रांगली एड्रेहेंट फॉर्म में क्रिएट हुआ है एक इनर वॉल, ये क्या करता है? इट इज़ क्रिएट अ बैरियर बिटवीन जो बाहर से हीट दी जा रही है और पानी को जो हीट चाहिए स्टीम जनरेशन के लिए. तो प्रॉपर हीट यानी जो पानी पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब वो 120 पे बॉयल हो रहा है धीरे धीरे. और जब ये लेयर और थिक होती जाएगी तो ये पानी के बॉइलिंग टाइम और बढ़ता जाएगा, यानी लॉस ऑफ हीट एंड फ्यूल होगा ड्यू टू द स्केलिंग हैव टू हीट द बॉयलर टू हाई टेम्परेचर. अब क्योंकि स्केलिंग है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बॉयलर को बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा. दिस कॉजेज द वीकिंग ऑफ द बॉयलर मटेरियल. इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉयलर का बाहर वाला मटेरियल है, वो बाहर सरफेस है, जो वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे. और चोकिंग ऑफ बॉयलर हो जाएगा. जब ये लेयर और मोटी होती जाएगी, और मोटी होती जाएगी, तो क्या कर देगी, आपके बॉयलर को चोक कर देगी, जिसकी वजह से आपको स्टीम जो है वो मिलने में प्रॉब्लम होगी. क्रैक्स ऑफ स्केल्स कॉजेस सडन स्टीम एंड हाई प्रेशर. अब जब ये बॉयलर है, ये वीक हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गए, क्रैक पड़ना स्टार्ट हो गए. ये क्रैक्स क्या करेंगे, आप इसमें टेम्परेचर देते रहेंगे, यहाँ से क्रैक्स जो हैं वो इस स्केल को तोड़ देंगे, जिसकी वजह से सडन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पानी के कांटेक्ट में हीट आ जाएगी. तो जो यहाँ टेम्परेचर है और जो यहाँ टेम्परेचर, जहाँ से क्रैक्स क्रिएट हुए होंगे, वहाँ से क्या हो जाएगा, सडन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से इसके ब्लास्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी है. तो आप स्केल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप स्क्रैपर्स यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा फॉर्म में ये नहीं जमा है और लूज़े फॉर्म में है आपका स्केल बॉयलर की सरफेस पे, तो आप स्क्रबर यूज़ करिए. नहीं तो आप 5 से 10% का SCL सॉल्यूशन मिला दीजिए. SCL जो है, एसिड है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके इसकी सरफेस से कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन को पानी में डिसॉल्व कर देगा. नेक्स्ट है स्लज. स्लज द लूज स्लाइमी एंड सॉफ्ट डिपॉजिट्स एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर इज कॉल्ड स्लज. ये देखिए, ये बॉयलर है आपका, तो हम हीट दे रहे हैं, तो वो जो आपके जो भी प्रेसिपिटेट है वो लूज फॉर्म में है, वो स्केल की तरह वॉल से चिपक नहीं गए हैं, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में बॉटम ऑफ बॉयलर पे इकट्ठे हो जाते हैं. इसे हम बोलते हैं स्लज. कॉजेज ड्यू टू द मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड विच हैव मोर सॉल्युबिलिटी इन द हॉट वाटर. डिसएडवांटेज क्या है, वेस्टेज ऑफ हीट एंड फ्यूल होता है, चोकिंग ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द पाइप्स होता है, चोक या ब्लॉक कर देते हैं. कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर ब्लो डाउन ऑपरेशन. ब्लो डाउन ऑपरेशन करके आप इस स्लज को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं. लास्ट प्रॉब्लम जो है बॉयलर की, वो है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. अब ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट है अगर पानी में प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो के जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फिर क्या करता है, द फॉर्म्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम. जब आप इस प्रोसेसिंग चलती रहती है, पानी में सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, तो बहुत टाइम तक जब ये होता रहता है प्रोसेस, तो कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की पानी में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. इट कॉजेस क्रैक्स ऑन द बॉयलर सरफेस. ये क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्रैक्स क्रिएट करता रहता है. दीज क्रैक्स कॉज द कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. ये क्रैक्स क्या कर देते हैं, कास्टिक है ये, तो कास्टिक की वजह से जो एम्ब्रिटलमेंट, ब्रिटल हो जाती है आपकी जो बॉयलर की सरफेस बॉल है, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, टूट जाती है जल्दी. कैसे प्रिवेंट करेंगे, वाई एडिंग सोडियम फॉस्फेट एज सॉफ्टनिंग एजेंट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट. पानी को साफ करने के लिए सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करना चाहिए हमें, बाई एडिंग टैनिन और लिग्निन टू बॉयलर टू फिल हेयर क्रैक्स ऑफ बॉयलर. हमें ये सब्सटेंस जो है, टैनिन और लिग्निन जो होते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं, तो पानी में डालेंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्रैक्स में जाके फिल कर देंगे उन एरियाज को, जिसकी वजह से आपके बॉयलर में ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर. और सबसे बढ़िया तो ऑप्शन यही है कि हम जितना सॉफ्ट वाटर यूज़ करेंगे, बॉयलर की प्रॉब्लम्स उतनी ख़त्म होंगी. तो ये आपका
वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया है ऑन द ट्रबल्स ऑफ बॉयलर. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ द हार्ट वाटर.